Let's continue on income tax unit 2. Now we will consider allowance. What do you mean by allowance and what are the type of allowance? Allowance is a fixed monetary amount paid by employer to employee for meeting some particular expense, whether such may be personal or due to performance of duties. Allowance kya hota hai? So allowance is the one type of additional benefit which employer provide to his employee ताकि वो अपने खर्चों को पर्सनल नेचर के हो या उसके ड्यूटी के रिलेटेड हो उसको पूरा कर सके. दिस अलाउंसेस आर जनरली टैक्सेबल एंड इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी अनलेस स्पेसिफिक एग्जेम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड. अब अलाउंस बहुत प्रकार के होते हैं, तो सीधा के सीधा थियरी आपको समझा रही है, बता रही है कि अलाउंस टैक्सेबल है. हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक अलावंस है जिसकी कंडीशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है तो उसमें आप एग्जेम्पशन ले सकते हो. स्पेसिफिक एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अलावंस आर फॉलो प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग सेक्शन. तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एचआर ही है, बाकी सब थियरी पोर्शन हमारे सिलेबस में. तो हाउस रेंट अलावंस एंड स्पेशल अलावंस, सेम कंडीशन. द अबव अलावंस शैल बी एग्जेम्प्टेड आइदर इन फुल और अप टू सर्टेन लिमिट. वो आप कैलकुलेशन में पता चलेगा कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड कैसे होते हैं, टैक्सेबल कैसे होते हैं, मगर ये अलावंस को भी सैलरी में इंक्लूड किया जाता है. तो इन सिंपल वर्ड, अलावंस आर वन टाइप ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉई. अब देखते हैं हाउस रेंट अलावंस क्या. मोस्ट आईएमपी टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. मोस्ट प्रोबेबली फाइनल एग्जाम में 5 मार्क का रिपीटेड क्वेश्चन है. एग्जाम्पल आता हाउ टू कैलक्यूलेट टैक्सेबल एचआरए. तो हाउस रेंट अलावंस क्या है, तो नाम से ही स्पेसिफाई करता है. हाउस रेंट अलावंस इज द गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई टू मीट द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द रेंट ऑफ एकोमोडेशन विद द एम्प्लॉई माइट हैव टू टेक एचआरए इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. To the extent it is not exempt under section 10 subsection 38. Simple, and HRA kya hota hai? To HRA is one type of allowance provided by the employer to his employee for meeting his expense regarding accommodation of house. Agar koi banda job kar raha hai, accommodate kar raha hai, makan le raha hai, to basically usko bhaada bhanna padega. The such type of rent which provided by the company to fulfill the such expense is known as house rent allowance. Ab house rent allowance ki condition kya hai, to wahi bata hai ki according to section 10 subsection 13 a whichever is least, teenon mein se jo bataya gaya wo kam hoga wo tumhara exempted hoga. To number 1, the actual amount of HRA received by the employee during the relevant period. कितने महीने का उसको एचआरए मिला हुआ है, बेसिकली 6 महीने, 9 महीने या पूरे साल का, वो बेसिकली एग्जांपल पे डिपेंड करता है. इन शॉर्ट सेम कंडीशन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए. पॉइंट नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. रेंट पेड यानी एक्चुअल में वो बंदे ने कितना भाड़ा साल भर में पे करा है, माइनस 10% ऑफ सैलरी. दोनों को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो. एंड नंबर 3 इज लिमिट. तो लिमिट के अंदर कंडीशन है कि अगर वो मेगा सिटी में रहता है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, तो 50% ऑफ सैलरी करना. ये एमसीक्यू में आ सकता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में रहता है तो 50%, अगर इसके अलावा कोई भी सिटी में वो एकोमोडेट करता है तो 40%. अब यहाँ पे वही कंडीशन सर, सैलरी आ रहा है, सैलरी का मतलब क्या होता है, तो सेम कंडीशन सैलरी का मतलब 3 चीज होगी, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलावंस फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव ऑन सेल्स. क्लियर. अब पीरियड का मतलब क्या होता है, तो सेम कंडीशन, अगर बंदा 12 महीने में से 4 महीने उसके फादर के मकान में रहता है, एग्जांपल पे ध्यान देना, बंदा 12 महीने में से 4 महीने अपने फादर के मकान में रहता है,
8 महीने रेंट के मकान में रहता, तो बेसिकली रेंट पेड कितना होगा, 8 महीने का ही होगा। तो हमको पूरा कैलकुलेशन जो एग्जेम्पशन वाला है वो 8 महीने से चलना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल। अब कौन सी शर्तों में एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है? तो नंबर 1, इफ एम्प्लॉय लिव इन हिज ओन हाउस, खुद के मकान में रहता है तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पहले ही आपको इसके पहले एक्सप्लेन कर दिया कि 4 महीने तक फादर के मकान में रहा, 8 महीने भाड़ा भर रहा है, तो जो एग्जेम्पशन वो 8 महीने का ही होगा। क्यों? क्योंकि 4 महीने तक वो खुद के मकान में रहता था, तो अगर खुद के मकान में रहता है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, फुल अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर द टैक्स। नंबर 2, अगर वो ऐसे मकान में रहता है जहाँ पर वो भाड़ा पे नहीं कर रहा है, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई दोस्तदार के यहाँ रहता है। एंड नंबर 3, पे रेंट विद डस्ट टू एग्जिस्ट 10% ऑफ सैलरी। बराबर है कि कॉमन ए बी कंडीशन प्रैक्टिकल में आ जाएगा। क्लियर? तो याद रखना है, खुद के मकान में रहता हो, 10% सैलरी से कम पे करता हो, और बेसिकली क्योंकि माइनस में आ जाएगा ना। अगर नंबर 3, अगर वैसे मकान में रहता है जिसका भाड़ा पे नहीं करता, तो वो सब कंडीशन के अंदर HRA कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस एंड कमीशन टर्न और अचीव ऑन सेल्स। याद रखना है, आपका कमीशन का मतलब होता है उसका टर्नओवर, आर डिटरमाइन ऑन ड्यू बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच एकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉई इन द प्रीवियस ईयर। इट मीन्स सैलरी ऑफ अ पीरियड अदर देन प्रीवियस ईयर इज नॉट कंसिडर्ड इवन दो सच अमाउंट इज रिसीव्ड। क्लियर? यानी बेसिकली प्रीवियस ईयर की जितनी उसकी बेसिक सैलरी बनती है, जितना कमीशन बनता है, जितना उसका डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग बनता है, उसी को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई बंदे ने एडवांस सैलरी ली हुई है, तो वो सैलरी को बेसिक सैलरी यानी जो 10% ऑफ सैलरी और 40% 50% करेंगे, उसके अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये तुम्हारा टॉपिक होता है HRA। क्लियर? याद रखना है, मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, 3 कंडीशन याद रखना है, एक्चुअल HRA कितना पे करा है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% और 50% ऑफ सैलरी, तीनों में से जो कम होगा उतना उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 40% के लिए मैंने बताया, तो पहले 50% याद रखना है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, ये 4 सिटी के अंदर वो एकोमोडेट करता है, तो 50% लगेगा। ये 4 सिटी के अलावा कोई भी सिटी है तो बेसिकली 40% लेना है। जॉब कहाँ करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 50% 40% के लिए इम्पोर्टेंट है वो एकोमोडेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ पुणे में, मगर रेसिडेंट है मेरा मुंबई, तो कॉमन है रेसिडेंट कहाँ का है, मुंबई का है, तो 50%। मगर सेम कंडीशन वाइज वर्सा इंक्लूड कर लो कि भाई रह रहा हूँ पुणे में, जॉब कर रहा हूँ मुंबई में, तो पुणे के लिए 40% का कंडीशन है। क्लियर? ये तुम्हारा HRA ओवर हुआ, प्रैक्टिकल बाद में देखेंगे। नाउ ऑन नेक्स्ट टॉपिक इज, सेकंड टॉपिक इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑन अदर अलाउंस विच आर फुल्ली टैक्सेबल। अब बेसिकली जब तुम सैलरी का कैलकुलेशन करते हो तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस। अब ये जो आपको नाम बताने जा रहा हूँ, आपको लाइन टू लाइन ध्यान करने, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम MCQ। तो नीचे जो बताया जाए वो सब अलाउंस केस है जो फुल्ली टैक्सेबल है। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब इसके ऊपर कोई भी जात का आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है, कोई भी जात का एग्जेम्पशन आपको मिलने वाला नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहला आता है डीएनएस अलाउंस। क्लियर? फिर दूसरा आता है सिटी कंपेंसेशन अलाउंस, टिफिन अलाउंस, मिक्स फिक्स मेडिकल अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस। तो ये सब अलाउंस आपको याद रखने, ये सब अलाउंस ऐसे जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, बट सच टाइप ऑफ अलाउंस आर फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे, व्हाट आर द स्पेशल अलाउंस।